हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में खास क्या सीखेंगे, एक्सेल में हम पावर निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं पावर, आइए दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं एक नंबर लिखा हुआ है 4 और इसका पावर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पावर इसका 2 है तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको एक इजीली प्रीमेडेड फार्मूला मिल जाता है पावर का, तो आप यहां टाइप कीजिए पावर और डायरेक्टली यहां पावर आ जाता है। अब यहां वो नंबर चूज कर लीजिए और कॉमा दीजिए और वो पावर चूज कर लीजिए जो इस नंबर के ऊपर लग रहा है आपको, यानी 4 पर पावर 2 16 आंसर आता है। यहां पर भी 16 आ रहा है। इसी तरह से यहां पर आता हूं, यहां पर 7 पे पावर 3 निकालता हूं, कोशिश करते हैं कि कितना आता है। तो यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाया, यहां पे पावर का फार्मूला लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और पावर का फार्मूला लगाने के बाद यहां पे 7 को सेलेक्ट करता हूं, कॉमा देता हूं, यहां पावर 3 का लगाएंगे, बंद करेंगे ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां 343 आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर 7 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो ये देखिए 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके मैं दिखाता हूं, यहां पे 343 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर मैं 5 का पावर निकालता हूं, तो 5 का पावर मतलब 2 पावर निकालता हूं कितना होता है। तो यहां पे पावर का फार्मूला लगाया हमने तो 25 आना चाहिए। तो यहां पे देखिए ये हमने सेलेक्ट किया पहले नंबर और फिर पावर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर 3 लगाएंगे तो 3 का आ जाएगा, 4 लगाएंगे तो 4 का आ जाएगा, इसी तरीके से आता चला जाएगा। अब अगर मैं 2 का पावर लगाता हूं और इसमें 8 कर लेता हूं, यहां 8 2 पे पावर 8 का आंसर क्या आएगा। तो यहां पर पावर फंक्शन यूज कीजिए आप कुछ इस तरीके से, और यहां पर 2 को सेलेक्ट कीजिए क्योंकि यही तो नंबर है, कॉमा देंगे और पावर लगा लेंगे। ये देखिए 2 का पावर 8 जो है 256 होता है, यहां पर आ गया है आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।